आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और अब तो है देश और प्रदेश की बड़ी खबरों का। रायबरेली में विधायक राहुल लोधी की मां ने अपने विधायक बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला। सपा विधायक राहुल लोधी की मां गुड़िया लोधी ने आरोप लगाते हुए कहा, राहुल के कुछ दोस्त जिसमें आकाश और कुछ गुंडे मुझको धमकाने मेरे घर आए थे। गुड़िया लोधी ने अपने विधायक पुत्र राहुल लोधी को कहा, वह तो लखनऊ में रहते हैं लेकिन गुंडे भिजवाकर मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। गुड़िया लोधी ने कहा, इसी कारण मुझे अटैक पड़ा और मेरी यह हालत है। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की चौखट पर सपा विधायक राहुल लोधी की मां आई। न्याय मांगने अपने ही बेटे से व्यथित और परेशान है आरोप उन्होंने बताया। राहुल लोधी मेरे सौतेले बेटे हैं, इसीलिए आए दिन मुझे परेशान कर रहे हैं और अपने गुंडे भेजकर मुझे प्रताड़ित करते हैं और प्रॉपर्टी को बेचने में लगे रहते हैं जो मेरे पति की बनाई हुई संपत्ति है। आज पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका मैडम? गुड़िया लोधी। कौन है आप? शिव गणेश लोधी विधायक जी की वाइफ हूँ मैं। क्या है मामला? मामला सर ये है कि आए दिन हमेशा राहुल लोधी अपने गुंडों को भेज के मुझे धमकाते रहते हैं। मेरे हस्बैंड के नाम से जो असलाहे हैं उनको राहुल लोधी ने उन लड़कों को गुंडों को दिया और वो किसी को धमकाने गए होंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ लेके आप जा रहे हैं, तो वो आके हमारे ही ऑफिस में मेरे हस्बैंड की चेयर पर बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। मैंने पूछा ये क्या बदतमीजी है, तो उन्होंने मुझे धमकाने लगे, बोले अगर आपने बोलने की कोशिश ज़्यादा की तो मैं आपको आपके घर से उठा के बाहर कर दूंगा, जान से मार दूंगा, नहीं तो चुपचाप रहिए, जैसे अपना पड़ी है पड़ी रहिए। इस तरह से मुझे धमकाने लग गए और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मैं जाके लखनऊ गई और वहाँ फिर मैं एडमिट हो गई, जो कि मैं यहाँ पर आके नहीं SP ऑफिस नहीं आके अप्लीकेशन दे पाई। उसके बाद में वहाँ से फ़ोन पे मैंने बताया तो इन लोगों ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ़ अगर आवाज़ उठाया तो हम जान से मार देंगे हॉस्पिटल में आके। इस तरह से हमें धमकियाँ लगातार मिलती रही। जैसे मैं कल डिस्चार्ज होकर घर आई तो इन्होंने दरवाजे पे पूरा ताला लगा दिया, बोले हाँ घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। मैंने जब ताला किसी तरह से खोला तो ये लोग मेरे साथ बदसलूकी करते हुए फोर्स भेजी और कहा कि नहीं वो देखिए महिला दबंगई कर रही है। पुलिस वहाँ कुतवाली से भेजा हुआ उन लोगों ने। फिर वहाँ वो लोग आए पूछे यहाँ कोई मारपीट हुई। मैंने बोला सर मैं अपने घर पे आई हूँ, ना मैं किसी पड़ोसी का ताला तोड़ी हूँ, ना मैं किसी कुछ गलत कर रही हूँ। मैं अपने घर के अंदर जाने के लिए गुंडे लोग मुझे रोक रहे हैं और दूर दूर से वो खड़े मेरा वीडियो बना रहे थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख लीजिए मेरी दवाइयाँ हैं, पर्चे हैं, सब मैं सबूत दे रही हूँ आपको। तो फिर आज कहाँ आई आप? सर मैं SP ऑफिस आई हूँ क्योंकि वो गुंडे कल कुतवाली में आके बराबर मैं उनसे पेपर मांगे गए, मैं पेपर देने गई। राहुल लोधी का जो साला है KK, राहुल लोधी विधायक का जो साला है KK, वो आके बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, पत्नी वत्नी माने कुछ नहीं होती है। एक ये फर्जी वसीयत 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे दिखा रहे हैं, कहते हैं कि जिसकी वसीयत होती है उसी का शव होता है, पत्नी वत्नी माने कुछ नहीं, तुमको हम घर से बाहर निकाल देंगे। कौन है आपके राहुल लोधी विधायक जी? मेरे सौतेले बेटे हैं। तो झगड़ा क्या है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है क्या? जी सर प्रॉपर्टी का झगड़ा है, वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और हमारे मुकदमे चल रहे हैं जिसके वजह से वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे टारगेट आए दिन बनाते रहते हैं, लड़कों को भेज के मुझे परेशान करते रहते। गुंडे टाइप के लड़के हैं, आकाश यादव वगैरह जो हैं वो अपनी गाड़ी में विधायक